हेलो एवरीवन। तो आज है नवरात्रि का छठा दिन यानी कि षष्ठी, और हम पहुंच गए फैशन सिटी क्योंकि हमारी शॉपिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई। आधी शॉपिंग तो मैंने कर ली है लेकिन आधी शॉपिंग अभी भी बाकी है। मेरी बेबी के लिए अभी भी शॉपिंग करना बाकी है, इसलिए हम चले गए इस मॉल में। ये एक नया मॉल है तो हमने सोचा कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे कलेक्शन होंगे, तो इसलिए हम चले गए देखने के लिए। और एंट्री करने के बाद जो पहला ग्राउंड फ्लोर है ना, वो पूरे लेडीज़ के सेक्शन है, यहाँ सिर्फ लेडीज़ के कपड़े मिलते हैं। तो मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए था इसीलिए मैंने यहाँ कुछ नहीं देखा। ऑब्वियसली नज़र तो चली ही जाती है क्योंकि लड़कियों का मन ही कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर भी लेडीज़ के सेक्शन होते हैं ना, हमारी जो नज़र है वो चली ही जाती है। लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर किया और हम चले गए फर्स्ट फ्लोर में। और वहाँ जाने के बाद ढेर सारे कलेक्शंस थे, हर एक कलर्स के कपड़े वहाँ अवेलेबल थे। तो मैं गर्ल्स साइड का जो वीडियो करना ही भूल गई, तो ये सब बॉयज़ साइड के कपड़े हैं और भी बहुत सारे थे लेकिन मैं सभी का वीडियो नहीं कर पाई। यानी कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में वीडियो कर रही थी लेकिन उसके बाद फिर मैंने मोबाइल रख दिया था, तो और मेरा ध्यान पूरा शॉपिंग में था अपनी बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी है, तो मैं बड़े ध्यान से शॉपिंग कर रही थी तो उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाई। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वीडियो कर लेती थी क्योंकि एक मेमोरी रहना भी तो ज़रूरी है कि मेरी बेबी के साथ ये जो पहला दुर्गा पूजा है, फेस्टिवल सीज़न है, उसे हमने कैसे सेलिब्रेट किया, किस तरह से हमने शॉपिंग किया, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करना तो बनता ही है। तो हमने शॉपिंग कर लिया, मेरे हस्बैंड लगे लाइन में यानी बिल पे करना था, और हम औरतों का तो एक नेचर ही होता है कि अगर हस्बैंड लाइन में हो, बिल पे करने गए हो, तब भी जो हमारी नज़र ना कहीं ना कहीं चली जाती है। लेकिन हम इन सब को इग्नोर करते हुए हमने शॉपिंग किया। शॉपिंग करने के बाद हम फिर वापस आ गए और निकलते ही मुझे दिख गया ये गोलगप्पा। तो मुझे तो बहुत खाने का मन कर रहा था लेकिन आज है मंगलवार तो मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती, और उसे भी इग्नोर किया और फिर निकल गई मैं। और जाते जाते ना रास्ते में ही ये जो संजीवनी मेडिप्लस आपको मिलेगा थोड़ी आगे, यही वाली ये जो फार्मेसी है ना, यहाँ पर कोयनका की डॉक्टर स्मिता दास बैठती थी, अभी भी बैठती है, लेकिन मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में उन्हें ही दिखाने यहाँ पर आया करती थी। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब यहाँ से गुजरती हूँ ना और देखती हूँ, क्योंकि जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना काफ़ी मतलब स्पेशल होता है, तो उससे जुड़ी हर चीज़ें आपको याद रहती है, उससे जुड़ी हुई हर चीज़ें आप याद रखना चाहती हो। तो कुछ इस तरह से अपनी यादों को ताज़ा करते हुए और साथ ही ये जो फेस्टिवल का सीज़न है उसका लुफ्त उठाते हुए, इन रास्तों का मज़ा लेते हुए हम निकल गए। और मेरी बेबी सो चुकी थी तो उसे मैंने चश्मा इसलिए पहनाया क्योंकि रास्तों में काफ़ी धूल है, उसकी आँखों में ना चला जाए, इसलिए मैंने उसे चश्मा पहना के रखा था। और मैंने हेलमेट नहीं पहना था क्योंकि मैं जब हेलमेट पहनती हूँ ना तो उसके सर में ना चोट लगने लगती है, तो मैं उसे ठीक से नहीं पकड़ पाती हूँ, कम्फर्टेबल होके नहीं पकड़ पाती हूँ। और वैसे भी आप देखो ना, हेलमेट पहनूँगी तो मैं ही पहनूँगी, मेरी बेबी तो पहन नहीं सकती, तो इसलिए हम दोनों ही बिना हेलमेट के रहते हैं। हमेशा नहीं, कभी कभार जब ज़्यादा अनकंफर्टेबल होना तो हेलमेट हटा देती हूँ। और हम चले गए दूसरे रास्ते से क्योंकि जो चांदमारी के आगे अनुराधा का जो रास्ता है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा जैम, ट्रैफिक जैम मिलती है, तो इसलिए हम इस रास्ते से आ गए। ये आप देख सकते हो काफ़ी खाली है। तो इस तरह से हमने शॉपिंग किया। शॉपिंग करके बाहर तो खाना नहीं था इसलिए हम घर चले गए, अगर खाना होता तो शायद बाहर ही खा के ही हम जाते।